हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है दुर्गाष्टमी, तो मैं जाने वाली हूँ पंडाल में पूजा करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आज है दुर्गाष्टमी, तारीख है आज 14 अक्टूबर। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। खोइचा भरेंगे आज हम मंदिर में जाकर, वहाँ पे भवन में पंडाल लगता है, वहाँ पर जाकर। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और साथ ये रहे इयर रिंग, चूड़ियाँ, तो सारी तैयारी कर ली है मैंने। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ, तो फिर मैं ले चलूंगी आप लोगों को पंडाल में अपने साथ भवन में। तो चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हो जाती हूँ मैं फटाफट तैयार। और मैंने पहन ली है साड़ी और मंगलसूत्र भी पहन लिया है, और मेरे गले में जो काला धागा था मैंने उसे हटा दिया है। और मैं यूज़ करने वाली हूँ पॉन्स की बीबी क्रीम, डॉट डॉट करके मैं इसे लगाऊंगी ताकि पूरे चेहरे पे ये प्रॉपर तरीके से मिल जाए। और आज मैं पूरा मेकअप का नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थोड़ा काम है घर में। बाहर बहुत सारा रेता सीमेंट बालू बिखरा हुआ है क्योंकि घर में टूट फूट चल रही है, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था। तो दोस्तों देखिए, अब मैं जल्दी से आई शेडो का इस्तेमाल करूँगी। और आई शेडो मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ट्रेडिशनल लुक देना हो तो आँखों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो मेकअप में आँखें हमारे पूरे फेस पर थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो आँखों का मेकअप मुझे अच्छा लगता है करना। और ये देखिए, मैंने पहनी है सीधे पल्ले की साड़ी क्योंकि पूजा पाठ में सीधे पल्ले की साड़ी अच्छा लुक देती है। और देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मेरी बेटी बना रही है मेरी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर लेती हूँ मैं पूजा। तो देखिए मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, और ले चलती हूँ भवन की तरफ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, वहाँ रोज़ गौरी की पूजा होती है। तो गौरी की पूजा करने के बाद ही हम फिर घर में पूजा करने के बाद ही हम पंडाल जाते हैं। तो मैं जल्दी से अब घर में पूजा कर लेती हूँ। और हमने खोइचा का पूरा सामान एक पन्नी में डाल लिया है, और बस हम दोनों देवरानी जेठानी अब निकलेंगे मंदिर की तरफ, पंडाल की तरफ। तो जय माता दी। चलिए अब दोस्तों निकलते हैं। जय माता दी दोस्तों। तो अब देखिए, हम पंडाल में पहुंच चुके हैं और पंडाल के रौनक मतलब इतनी अच्छी लग रही है। और ये मेरी देवरानी और ये हमारे छत के ऊपर भाभी रहती हैं, तो वो है। और इनकी स्माइल से तो पता ही चल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है भवन में आकर। और बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पर आकर, और साल भर का पर्व है और रौनक ही कुछ अलग थी भवन में। माता रानी की आरती के बाद मेरे सामने ही पट खुला था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये व्लॉगिंग करके। और मैं देखे किस तरीके से तैयार हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरे घर में भी काम वाम फैला पड़ा है तो उसे भी समेटना है। तो बस तो जल्दी से काम भी समेटना है, तो मैंने ली काफ़ी सारी सेल्फी क्योंकि सेल्फी तो बनती है। तो सेल्फी लेने के बाद मैं घर को निकलूँ क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम करना है। काम को तो हम छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं घर में। तो जल्दी जल्दी मैंने जितनी हो सकी वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची और घर निकल दी। तो चलिए घर चलते हैं। देख सकते हैं मैंने 2 दिन के कपड़े धो के ऐसे ही रखे हुए हैं, और मेरे घर में पूरा चल रहा है काम।
देखिए, तो बस जैसे तैसे हम बस कमरे में ही बंद है, कमरा ही थोड़ा बहुत साफ है, नहीं तो हर चीज इधर उधर तहस नहस पड़ी है। तो दिवाली से पहले ऑलमोस्ट ये सारा काम खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो अभी बस मैं पंडाल से आई हूँ खोइच भर के, और काफी अच्छा लगा माता रानी के हमने दर्शन किए। और कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होने के बाद जरूर बताइएगा, ये देखिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा अष्टमी की पूजा करके, और काफी बढ़िया रहा। और अभी मैंने आपको बताया बाहर चल रहा है काम, तो उसमें अब जा रही चेंज करने, क्योंकि इस सिचुएशन में घर में इतना तैयार मैं रह नहीं सकती तो मैं इसको करूंगी चेंज। और देखिए मेरे बैंगल्स, तो इतना हम कंटिन्यूटी से कभी इतना तैयार नहीं होते। कभी कोई ट्रेडिशनल पूजा रहता है, दुर्गा पूजा, दिवाली, कुछ ऐसा फंक्शन होता है, तभी इतना तैयार होने का मौका मिलता है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा वो करवा चौथ का आएगा, उसकी शॉपिंग का आएगा, तो वो सारे व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में इसी स्माइल के साथ, इसी हंसी खुशी के साथ। बाय।